हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जिनका आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था। एंड आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया हुआ था। दिस इज शिवानी मैम एंड आई एम ए बायोलॉजी टीचर। आज की क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए। हम बेसिकली उस अप्रोच को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग अपनी अपनी नोट्स जरूर लेके बैठे साइड बाय साइड में। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन में गलती की है तो वो क्वेश्चन आप लोगों का साइड बाय साइड समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्यों गलती किया, एग्जैक्टली उसका क्या आंसर होना चाहिए था। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 में दे आर आस्किंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द लेट डाउन इट मींस रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट व्हेन द बेबी इज सकिंग। अब क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से, हॉर्मोन्स के बारे में जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मदर मिल्क होता है आपका, तो मदर मिल्क के लिए आप लोगों को पता है यहाँ पे दो हॉर्मोन्स वर्क करते हैं। एक हॉर्मोन का काम होता है मदर मिल्क को सिंथेसाइज कराना और एक होता है उसको सिक्रीट कराने का काम। तो इट मींस हमारे पास फंक्शन भी हॉर्मोन्स के यहाँ पे दो हुए, एक हुआ हमारा मिल्क सिंथेसाइजिंग हॉर्मोन, मिल्क सिंथेसाइजिंग हॉर्मोन एंड अनादर वन वी हैव मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन। तो कौन बताएगा मेरे को इनके नाम क्या क्या है? मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन। तो बच्चों हम लोगों के पास जो मिल्क को सिंथेसाइज करने का काम होता है वो है आपके पास प्रोलैक्टिन एंड मिल्क को इजेक्ट कराने का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन का। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि ऑक्सीटोसिन जो होता है, बिकॉज यहाँ पे लेट डाउन की बात कर रहा है, मिल्क को रिलीज कराने की बात कर रहा है। आई नो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका मैक्स बच्चों ने आंसर प्रोलैक्टिन लगाया होगा, बट प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को सिंथेसाइज कराना एंड उसको सिक्रीट कराने का जो काम है वो ऑक्सीटोसिन कराता है आफ्टर द पार्चुरेशन, बेबी बर्थ के बाद। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर है इधर, द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन माइटोसिस मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने हमको एक स्टेज दिया हुआ है डायग्राम में, इस स्टेज को देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या है आपका मेटाफेज हमको समझाया हुआ है। तो हमको क्या करना है, विच स्टेज इट इज, हमने बता दिया मेटाफेज है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मेटाफेज के अंदर क्या होता है। मेटाफेज के अंदर जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब के सब आके एक इक्वेटर पे आ जाता है, दैट इक्वेटर इज नोन एज अलाइनमेंट हो जाता है ना सभी क्रोमोसोम्स का, दिस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। कहाँ आते हैं यहाँ पे आपके, सब इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। मेटाफेज में स्पाइनल फाइबर जो है वो आपका काइनेटोकोर से अटैच होगा, एग्जैक्टली अटैच हो जाएगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, डिस्क शेप प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू आपके स्पाइनल फाइबर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, तो इसके थ्रू कनेक्ट होंगे। सेंटर में स्प्लिट वाला काम तो एनाफेज में हो जाता है, ये मेटाफेज में थोड़ी ना होगा, तो ये तो एनाफेज में होता है। तो इसका मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी मेटाफेज। क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पाइनल इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देंगे, दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के देखा ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है सबके पास। एनाफेज तो नहीं है ये भाई, लेट प्रोफेज भी नहीं है, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इधर, द करेक्ट आंसर इज बी। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा क्यों हमारा करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। आपको बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट कराना है, तो ग्लूकोज को रेगुलेट कराने के लिए भाई सबसे पहले जरूरी है ना कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिप होना चाहिए। ग्लूकोज का लेवल डिप होगा सबसे, तो इसका मतलब सबसे पहले ऑप्शन क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। यहाँ पे सी और ए दे रखा है इसलिए इन दोनों को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डिप हुआ ऐसे ही आपका क्या होगा, ग्लूकोज को बनाने वाला हार्मोन क्या होता है, ग्लूकागन।
ग्लूकागन का फंक्शन क्या होता है? ग्लूकागन का फंक्शन होता है ये आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज में करता है, मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस कराता है ये, ब्रेक डाउन कराता है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ, सेम टाइम पे आपका ग्लूकागन का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले डी, डी के बाद बी, देन आपका सी एंड देन आपका ए। देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन बताएगा मेरे को? द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड, क्लियर ये क्वेश्चन भी हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर सीन इन टीलोफेज। अब हमको पता है जो टीलोफेज है वो हमारी सबसे लास्ट फेज होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन लास्ट वन वी हैव टीलो फेज। अब चारों फेजेस के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। प्रोफेज के अंदर कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो सब होती है वो डिसअपियर हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। एनाफेज में सेंट्रो में स्प्लिट, क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल एंड न्यूक्लियर, जो आपका टीलोफेज है, टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, यहाँ पे रीअपियर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हुए थे, क्रोमाटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बना था, और यहाँ पे डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। डीकंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, सेल के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियाई बनने दिखने शुरू हो जाएंगे हमको। कुछ कुछ ऐसे इवेंट होते हैं। चलो वो ऑप्शन से मैच कर लेता है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस नहीं, भाई कंडेंस तो प्रोफेज में होता है। न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हो जाता है, टू डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी हम देखेंगे। पहले स्पाइनल फाइबर अटैच, नहीं ये तो प्रोफेज में ही हो जाता है। क्रोमैटिड मूव, नहीं ये एनाफेज की है। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच हार्मोन पजेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट। अब इंसुलिन का एंटी इफेक्ट हमको बताना है, उससे पहले इंसुलिन का इफेक्ट पता होना चाहिए ना। इंसुलिन क्या काम करता है? तो जो हमारा इंसुलिन होता है बच्चों, इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई बॉडी के अंदर, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में लाइटस होना शुरू हो जाता है। होता नहीं होता है, तो हमें इसका एंटी बताना है। तो इसका एंटी का फंक्शन क्या होना चाहिए? जो ग्लूकोज बनवा रहा हो, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्रेक करना, तो इसके एंटी वाला क्या करेगा? इसका एंटी ग्लूकोज बनवाएगा ऑब्वियसली। अब देख लेते हैं कॉर्टिसोल क्या है। कॉर्टिसोल ऑब्वियसली आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन का हेल्प करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, बट हम बाकी ऑप्शन में देखेंगे। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन आपका कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन भी आपका एंटी इंसुलिन, इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना है ही नहीं। ऑक्सीटोसिन का भी कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, साइटोकाइनेसिस। अब हमको पता है सेल डिवीजन के अंदर दो इवेंट्स आती है हमारी। सबसे पहले आता है आपका कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद रहती है आपकी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस को डिवाइड कराते हैं, कराते नहीं कराते है? तो यहाँ पे होता है हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस में होता है हमारा डिवीजन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, सेल का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यही होता है ना। चलो इवेंट्स देखते हैं। अब बोलते हैं साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस रीजंस ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर। होमोलोगस रीजन में एक्सचेंज, नहीं भाई ये नहीं हमको समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, नहीं टेट्राड नहीं बनता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, नो। डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू द टू, एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास टीलोफेज के बाद कुछ ऐसी सेल बन के आती है, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। हमको क्या करना है, इसको यहाँ से डिवाइड करके इनको
दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है साइटोकाइनेसिस के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर। बताओ, अब हमने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप 6 के 6 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। एट मेटाफेज, अब मेटाफेज की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पाइनल फाइबर्स। अभी अभी बताया था कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमैटिड आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, और इन्हीं सेंट्रोमियर के ऊपर वी हैव अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। प्रोटीनियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है जो हेल्प करती है स्पाइनल फाइबर को यहाँ से कनेक्ट करने में। तो क्या आंसर आएगा हमारा? द करेक्ट आंसर इज सी हियर, दिस इज योर काइनेटिक कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस देख के याद आ रहा है हमको, मेरे को तो एक ट्रिक याद आ रही है, लीजा जरा पानी दे दो, L4 लेप्टोटीन, Z4 साइगोटीन, P4 पेकाइटीन, D4 डिप्लोटीन एंड अगेन D4 डायगाइनेसिस। तो हमारे पास ये सबसे लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, जो कि बिल्कुल सिमिलरली होती है जैसा प्रोफेज के एंड में होता है कि न्यूक्लियर मैम्ब्रेन गायब हो गया, सारी सेल ऑर्गेनलीज गायब हो गई, ये वाला काम। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका काइजमेटा है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिजेनरेट होने लग जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स हो रही है। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर शुड बी डी। सो हमारा यहाँ पे डी आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बात करें तो हमारा जो जाइगोटी है यहाँ पे तो आपका कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, कॉम्पैक्शन, और यहाँ पे आपका ये साइनेप्सिस करना शुरू कर देते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में मिल जाएंगे, आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद जो आपका बाइवेलेंट टेट्राड वो सब बनना शुरू हो जाएगा, काइजमेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर। ये सारी इवेंट्स आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ये आपकी प्रोफेज वन की इवेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच इज करेक्ट टू से अबाउट हॉर्मोन्स एक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर हॉर्मोन्स का एक्शन आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना। देख लेता हूँ, ग्लूकागन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, बीटा सेल सिक्रेट करता है उसको, मैंने तो पढ़ा था अल्फा सेल सिक्रेट करता है। एग्जैक्टली, जो आप लोगों ने भी यही पढ़ा है ना, ग्लूकागन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स एंड जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ग्लूकागन का काम होता है आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, एंड इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहा है। तो ए तो हमारा इनकरेक्ट हुआ। बी, सिक्रीशन जो होता है थाइमोसिन, थाइमोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है? सिक्रीट होता है आपका थाइमस ग्लैंड से। इज स्टिमुलेटेड, क्या एजिंग के साथ ये बढ़ता है? नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है, वहीं से निकलने वाला हार्मोन भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी इनकरेक्ट है। फीमेल्स के अंदर जो FSH है, व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसके रिसेप्टर्स है, मतलब इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड FSH स्टिमुलेट द क्या? एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज सी ओनली, क्योंकि जो FSH है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया सबको? द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों सी है उसका रीजन भी आप लोगों को पता चल गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी, ठीक है, एक बेबी हुआ जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ देखने के लिए मिला, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस पावर था उसका, एबनॉर्मल स्किन था, ये सब किसकी वजह से होता है? दीज आर द केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म।
हाइपोथायरोडिज्म के ये केसेस होते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके अंदर उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही थायराइड टेस्ट कराया जाता है। अगर उसके अंदर हाइपोथायराइड वाला केस है तो उसको तभी ट्रीट किया जाता है, अंदर जो बेबी होगा उसकी स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब सिम्टम्स उसके अंदर मिलेंगे। और हाइपोथायरोडिज्म का मतलब, हाइपो का मतलब होता है अंडर सिक्रीशन, हाइपो मीन्स अंडर सिक्रीशन। किसका अंडर सिक्रीशन? थायरोइडिज्म, थायरोइड ग्लैंड, थायरोइड ग्लैंड का हार्मोन थायरोक्सिन, और वो किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? ए हुआ। ग्रोथ हार्मोन की लो सिक्रीशन की वजह से उसकी जाइजेंटिज्म उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, या फिर ड्वार्फिज्म देखने के लिए मिलेगा, ड्वार्फिज्म में देखने के लिए मिलेगा लो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन में जाइजेंटिज्म देखने के लिए मिलेगा। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर अगर कैंसर होगा तो उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। ओवर सिक्रीशन ऑफ पास्ट एसिड्स, ये सब इसके केसेस नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर डाइट में आयोडीन कम है तो पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके जो बेबी है उसके अंदर ये सारी केसेस होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेलेटोनिन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो मैं आपका दूर करती हूँ। मेलेटोनिन होता है एक, एक होता है मेलेनिन। मेलेटोनिन सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से, और जो मेलेनिन है ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी के भी पता है कौन से वाले रीजन से? इंटरमीडिएट वाले रीजन से, इंटरमीडिएट रीजन से रिलीज होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? पीनियल ग्लैंड। डन। 42, Which one of the following pair of hormones can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it? मतलब हम यहाँ पे कौन से receptors की पूछ रहे हैं? इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनके रिसेप्टर्स बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किसके रिसेप्टर्स बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं हमारे कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर। क्लियर यहाँ तक? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो, ठीक है। नेक्स्ट 43, माइक्रोट्यूब्यूल किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? अभी हम बात कर रहे थे स्पाइनल फाइबर्स, वो सब कहाँ से रिलीज होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। और स्पाइनल फाइबर कहाँ पे पड़े? सेल डिवीजन में पड़े ना हम लोगों ने, तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन भी कहाँ हुआ? सेल डिवीजन के अंदर होगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैम्ब्रेन आर्किटेक्चर नो, डीएनए रिकॉग्नाइजेशन नथिंग। द करेक्ट आंसर इज सेल डिवीजन। 44, एट द एंड ऑफ टीलोफेज वन। अब टीलोफेज वन की बात करें तो टीलोफेज वन मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास मियोसिस वन का। और मियोसिस वन कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, सिजर रिडक्शनल डिवीजन। व्हाई वी कॉल इट रिडक्शनल डिवीजन पता है सबको? क्यों हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो रिड्यूस टू हाफ रह जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स Reduced to half. That's why we call it reductional division. तो इसी की जो टीलोफेज वन है एंड देन साइटोकाइनेसिस है, तो उसमें जो हमारे पास सेल मिलेंगे, तो मियोसिस वन की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मियोसिस वन में तो दो सेल्स मिलेंगे, और वो भी दोनों की दोनों कैसी होंगी? हैप्लोइड सेल्स मिलेंगे हमको। अब बहुत बच्चों ने इसका मार्क किया होगा फोर हैप्लोइड सेल, तो बेटा फोर हैप्लोइड सेल टीलोफेज टू के बाद मिलेंगे, टीलोफेज वन के बाद नहीं, टीलोफेज वन के बाद दो ही हैप्लोइड सेल मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज। क्लियर यहां तक सबको? चलो 45 क्वेश्चन, ध्यान से समझना, देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है सीरियसली। अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम, एकदम अंधेरे वाले रूम में चले गए और अचानक से आपकी आंखों के सामने एक स्नेक आ गया। आपने जैसे दरवाजा खोला एकदम से सामने स्नेक खड़ा है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? डर जाओगे ना, एकदम से पसीने छूट जाएंगे, होगा ना? तो ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में आपको जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि कब काम करता है? इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है, इमरजेंसी के टाइम पे वर्क करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
अपने अंदर से दो हॉर्मोन्स रिलीज करने शुरू करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन नोरएपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं। तो पैरासिम्पेथेटिक रिलैक्स के स्टेट में काम करता है, हाइपोथैलेमस नो, सिंपैथेटिक होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल से रिलीज होता है बच्चों, यहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होंगे, मेडुला रीजन से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिंपैथेटिक होता है ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन भी हम इसको बोल देते हैं, एड्रिनेलिन या फिर नॉर एड्रिनेलिन। डन, यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 46, डायबिटीज मेलाइटस। अभी हमने बात किया था डायबिटीज मेलाइटस की जब हम इंसुलिन की बात कर रहे थे। तो इंसुलिन जो है बच्चों सॉरी, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? बीटा सेल सिक्रीट करती है पैनक्रियास की, बीटा सेल से सिक्रीट होता है ना आपका। अब ये बीटा सेल, इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो डायबिटीज मेलाइटस कब होगा? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी, तो इसका मतलब बीटा सेल्स की भी कमी होगी, क्योंकि बीटा सेल्स ही इंसुलिन को सिक्रीट कर रही है। तो किसकी वजह से? हाइपोसिक्रीशन ऑफ बीटा सेल्स, पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स, अगर उनका हाइपोसिक्रीशन हुआ तो इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज ग्लूकागन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब उन दोनों के जो फंक्शंस है वो कहीं से कहीं तक अपोजिट नहीं है। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास जैसे एल्डोस्टेरोन है, एएनएफ है, इन दोनों का फंक्शन अपोजिट एग्जैक्टली। पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, दोनों का, दोनों कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, एक डिक्रीज कराता है एक इंक्रीज कराता है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो एंटागोनिस्टिक कौन बचा? बी वाला बचा। इनहिबिन का काम क्या होता है? इनहिबिट करता है ये। और रिलैक्सिन का काम होता है पार्चुरेशन के टाइम पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराने का काम होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं काम कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी हियर। 48, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपकी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसके लेवल को, द ब्लड कैल्शियम इज लोअर्ड बाई द डेफिशियंसी ऑफ, किसकी डेफिशियंसी की वजह से ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके अंदर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होने लगा तो क्या होगा? आपकी बोन्स का रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। वो ब्लड कैल्शियम कहाँ से लेना शुरू कर देगा? बोन्स से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। तो अब लोअर डाउन करने का काम किसका होता है? बोन्स का वीकनिंग कराने का काम किसका है? पैराथॉर्मोन का काम है, पैराथॉर्मोन ही तो कराता है ये काम। सो द करेक्ट आंसर इज पैराथॉर्मोन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मीट अ पर्सन हु हैज अ बल्जिंग या फिर प्रोट्यूडिंग का मतलब थोड़ी बाहर की साइड निकली हुई आइज है, टैकीकार्डिया है उसको, एंड उसका हायर बॉडी टेम्परेचर रहता है। तो किस चीज से सफर कर रहा है वो? ही सफरिंग फ्रॉम टैकीकार्डिया, बॉडी टेम्परेचर, ये सब काम किसका है? थायराइड ग्लैंड। तो उसको केस कौन सा है? ये वो केस है जब आपका कैंसर वाला केस है, कैंसरस हो, कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तब हाइपरथायरॉयडिज्म केस आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्रोमेगैली, क्रेटनिज्म, डायबिटीज, ये सब आप लोगों को पता ही है क्या क्या केसेस होते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 50, एडीएच और वैसोप्रेसिन कहाँ से सिक्रीट होता है? लेट सपोज ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट, और बीच में होता है आपका इंटरमीडिएट। तो जो आपका ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये अपने अंदर से दो टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज कराता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब देख लेते हैं हम लोग इनका काम। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन हमको पता ही है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, और वैसोप्रेसिन आपका कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज पेप्टाइड, नो, हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, ठीक है, दैट प्रमोट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्प्शन करता है, एग्जैक्टली करता है। दैट प्रमोट ग्लूको ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नो, एनर्जी, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। क्लियर? करेक्ट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट 51, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, उसमें जनरली मिस्टेक्स कर देते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मियोसिस एक डबल डिवीजन है ऑब्वियसली है, मियोसिस वन मियोसिस टू दो प्रोसेस होते हैं, चार सेल्स बनती है, बनती है, ट्रू लिख दिया हमने। द सेल अंडर गोइंग मियोसिस, क्या वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, नहीं वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं हो सकती है। क्या बुकेट स्टेज रिकॉर्डेड, नो बुकेट, बुकेट स्टेज कॉम्पैक्शन वाली जो स्टेज होती है वो सारी बुकेट स्टेज ही तो हम उसको बोलते हैं। दिस इज फॉल्स ऑल्सो, इन्होंने बोला नो बुकेट स्टेज इज रिकॉर्डेड, बट बुकेट स्टेज रिकॉर्ड की गई है, तो ये दोनों फॉल्स है। पेयरिंग या फिर जो साइनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम कब होता है, जाइगोटीन स्टेज में होता है प्रोफेज वन की, एंड उसके बाद कब तक चलता रहता है, मेटाफेज वन तक, क्योंकि मेटाफेज वन इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास ये भी ट्रू है, तो ट्रू कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, करेक्ट हमको बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी हियर। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 52, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सीक्वेंस में बताना, तो सबसे पहले आपका साइनेप्सिस होता है जाइगोटीन के अंदर, तो सबसे पहले तो थर्ड आना चाहिए। अब देख लो थर्ड किस में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मार्क कर दो। उसके बाद पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, उसके बाद जीनोम का डिसजंक्शन होगा जो कि एनाफेज में होगा। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही विद इन सेकेंड हम लोगों ने आंसर पिक कर लिया इसका। 53, एड्रिनेलिन डायरेक्टली अफेक्ट, अभी हमने देखा एड्रिनेलिन और एड्रिनेलिन कहाँ से रिलीज हो रहे थे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो कि इमरजेंसी में वर्क करते हैं, जो आपका अपने रूम, डार्क रूम में गए, दरवाजा खोला, अचानक से आपके सामने स्नेक आ गया तो डर जाओगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए किसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्टली आपकी एसए नोड। व्हाट इज एसए नोड बच्चों, एसए नोड इज साइनो एट्रियल नोड, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, उसको ये अल्टर कर देता है। सो करेक्ट इज ए। 54, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। सिस्टमेटिक ब्रेकअप दिया हुआ है सेल साइकिल का, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमको करना है, तो वन बाय वन करते हैं। तो ये हमको क्या दिया हुआ, दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों फेजेस किसकी है, ए इज व्हाट, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है आपका, साइटोकाइनेसिस। तो हमारा सी साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस से निकल के सेल आता है जी1 फेज में और फिर आता है एस फेज में, देन जाता है जी2, जी2 के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये स्टार्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली सी इज व्हाट, कैरियोकाइनेसिस, नहीं सी साइटोकाइनेसिस है भाई। डी सिंथेसिस फेज, या डी एस फेज है, क्लियर है ये। ए क्या है, ए साइटोकाइनेसिस नहीं है, कैरियोकाइनेसिस है। बी, बी इज एनाफेज नॉट मेटाफेज, मेटाफेज नहीं है, एनाफेज है। ठीक है, और सी क्या है, सी कैरियो नहीं, सी साइटोकाइनेसिस है, और ए क्या है, ए कैरियोकाइनेसिस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाने का काम किसका होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड का, यही हमारी बॉडी का बीएमआर को कंट्रोल करता है, इन आवर बॉडी सिक्रेटेड फ्रॉम योर थायराइड ग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर। 56, मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है वही, लीजा जरा पानी दे दो वाली ट्रिक हम लगाएंगे, लीजा जरा पानी दे दो, तो जरा में हमने देखा था साइनेप्सिस होता है, तो सबसे पहले मैं इसी को मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे। जाइगोटिन क्या होना चाहिए, जाइगोटिन साइनेप्सिस होना चाहिए, तो जाइगोटिन, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, बट आगे के भी एक बार मैच कर लेता है। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है वही है ना, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है वही है, डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन वही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। अब हमको पता है सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार फेजेस होती हैं अलग अलग। अब उन फेजेस के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होता है, तो सबसे पहले सबने कंडेंसेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने क्रॉसिंग ओवर लिख दिया, इसको तो मैं भगाई देती हूँ कि भाई क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में थोड़ी ना कराएंगे हम लोग, ठीक है, और कहीं पे कुछ नहीं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होगा, अरेंज एट इक्वेटर होंगे,
सेंटर में डिवाइड होगा, सेग्रीगेट होंगे, टीलोफेज आएगा। सही लग रहा है अब तक ये। बी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंटर में स्प्लिट होगा, ये भी सही है। कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉसिंग वन, नहीं इसको भी हटाओ। अब इन दोनों में से मैच करो, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। बिल्कुल सही सीक्वेंस ए ने बताई हुई है ना, एज कम्पेयर टू द सी। सी ने कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, बट उसे सही से नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए यहाँ पे। 58, अक्रेंस ऑफ लेडेज सेल एंड देयर सिक्रीशन। जो हमारी लेडेज सेल्स होती है मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इनका क्या सिक्रीशन होता है। लेडेज सेल्स आपका टेस्टिस से सिक्रीट होती है एंड देयर हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। लेडेज सेल्स जो होती है आपकी, वर्क कहाँ पे करती है बच्चों, लेडेज सेल्स वर्क ऑन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के साथ वर्क करती है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराता है। क्लियर? मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल जो अपेरेंस होता है, मस्कुलर बॉडी, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन ही होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 59, मैच करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये वही किसका, किस टॉपिक से क्वेश्चन है ये, एड्रीनल ग्लैंड से क्वेश्चन है। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हमको पता है दो रीजन होते हैं, एक मेडुलरी रीजन, एक आपका कॉर्टिक्स वाला रीजन। तो वहां पे कॉर्टिक्स से रिलीज होते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स। अब जैसे नाम वैसे काम, ग्लूको है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेगा, मिनरलो है बॉडी के अंदर मिनरल्स का मेंटेन करेगा, गोनाड्स है आपके जो सेक्स हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड हम इसको बोल देते हैं, जो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा, तो ए शुड बी सेकेंड। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमारा करेक्ट हो गया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है, गोनाडो वाला एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का सिक्रीशन। डन। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है हमें, फॉल्स या ट्रू बताना है कौन सा है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ के आ चुके हैं, करता है, सो दिस इज ट्रू। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्राइन का, कब, चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन के टाइम पे, ट्रू है। ग्रेव्स डिजीज क्या, एड्रिनल नहीं, थायराइड ग्लैंड की वजह से होते हैं, ये फॉल्स है भाई। ADH जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, नहीं, दिस इज अगेन फॉल्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए और बी ट्रू है, देख लो ए और बी, ये रहा द करेक्ट आंसर इज डी हियर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहा होगा। अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो, प्रॉपर रिविजन करते रहो, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आप लोगों का नीट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। बिकॉज नीट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है बायो में, NCERT पढ़ो अपनी अच्छे से, नीट हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एम्स नर्सिंग हो या कोई स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए द बेस्ट थिंग इज टू योर NCERT, लाइन टू लाइन NCERT पढ़ो, PYQs लगाओ, बस इतना कर लो, उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।